एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल VSR स्टडीज। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। हम लोगों ने एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स को डिफाइन कर लिया था और अच्छे से समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट। सबसेट वो होता है जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं। लेट एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4 और दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, सो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, जैसे ये हमारे पास बी सेट है, तो हम इसके सबसेट्स को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो बी के सबसेट्स होंगे हमारे पास 2 की पावर 6। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरसेट। सुपरसेट है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे यही वाला एग्जांपल है हमारे पास, इसमें सुपरसेट है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में कंटेन हो रहे हैं। इस वाले में बी जो है, सेट बी जो है वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, इस वजह से वो एक सुपर सेट है। सब सेट इज अ पार्ट ऑफ सेट, यानी कि ए सेट जो है वो बी सेट का पार्ट है एंड सुपर सेट इज द फादर ऑफ दिस सेट, ऐसा हम कह सकते हैं बिकॉज बी जो है वो ए का सुपर सेट है। सुपर सेट यानी कि सारे एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, देन हम आते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स अ सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब अब तक हमारा जो था वो ए जो था वो सबसेट होने के साथ बी के इक्वल भी हो सकता था सबसेट में, और प्रॉपर सबसेट वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका सबसेट ही होगा, उसके इक्वल ना हो। जैसे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। अगर ऐसा होता कि सेट ए में भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यही 6 एलिमेंट्स होते तो हमारा जो था ना ये ए एंड बी आर सबसेट्स, बट ए इज नॉट अ प्रॉपर सेट बिकॉज ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, अब हम प्रॉपर सेट सबसेट को कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। जैसे हमारे पास एक सेट था ए, उसके अंदर भी एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और बी के भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6। ठीक है, देन हम लोग इसके प्रॉपर सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉपर सबसेट्स हम फाइंड करेंगे 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 1, ये हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो गया। ओके, देन हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट्स ऑफ अ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाई यू। जब हमारे पास दो सेट्स होंगे तो वो खुद भी किसी ना किसी एक सेट के वो होंगे, सबसेट होंगे, और जिस सेट के वो सबसेट होंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सेकंड वाले में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट ए एंड बी बोथ आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिकॉज इसके एलिमेंट्स भी नेचुरल नंबर्स से ही बिलोंग करते हैं और इसके भी नेचुरल नंबर से ही। तो अगर हमारे पास एक एन होता है जिसके अंदर की सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो, तो ए और बी उसका सबसेट होगा।
ए और बी के लिए हमारा जो वो होगा यूनिवर्सल सेट होगा, वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप इज पावर सेट। लेट ए बी अ सेट, देन द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे सारे पॉसिबल सबसेट्स आते हैं, ठीक है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। नोट दैट सिंस द एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ आर सबसेट्स ऑफ ए, एक एम्प्टी सेट और सेट ए खुद ए का सबसेट होगा, यानी कि सेट ए का सबसेट होगा। और अगर हमारे पास एक सी सेट हो जो है फाई, तो वो भी ए का सबसेट होगा। एंड आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, और ये पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स भी होंगे। दस द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। जो पावर सेट होता है किसी भी एक सेट का, वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, बिकॉज उसमें एक एलिमेंट ज़रूर आता है, वो है फाइ। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स, अगर एक सेट के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो हम उसके पावर सेट्स को कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला भी 2 की पावर n ही होता है। अब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, वो है ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर एक सेट है ए तो वो खुद का सबसेट होगा। फाई सारे सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है, ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अगर हमारे पास सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी दिया है, तो वो हमें इम्प्लाइज करता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन ए और बी आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है ए 1, 2 और 3, और एक सेट है बी 1, 2 एंड 3, सो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू ए, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, हमारा ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसी वजह से ए और बी इक्वल हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी मे बी। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ कम ऑन द एग्जांपल नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। कंसीडर द सेट्स फाइ ए इज इक्वल्स टू 1, 3, बी इज इक्वल्स टू 1, 5, 9, सी इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है और नहीं है। फाइ इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, सो फाइ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट मीन्स दैट फाइ इज सबसेट ऑफ बी। देन सेकेंड पार्ट इज ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज 3 डज नॉट कम्स इन द सेट बी, मतलब 3 जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है। देन ए और सी, तो 1 एंड 3 जो है वो सी में भी हैं, इट मीन्स दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। देन बी 1, 5 एंड 9, तो सी में 1, 5 एंड 9 भी है, इट मीन्स दैट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। मतलब हमारे पास 3 सेट हैं ए बी और सी, और हमें गिवन है कि ए जो है वो बी से बिलोंग करता है और बी जो है वो सबसेट है सी का, तो हमें ये बताना है कि ए बी सी का सबसेट होगा या नहीं। सो नहीं होगा, बिकॉज देखिए अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, हमने लेट किया है, बी में है 1 और 2, सी में है 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो ए जो है वो बी से बिलोंग करता है बिकॉज बी में 1 है, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट भी है, बट ए सी का सबसेट नहीं है, ए सी का सबसेट नहीं है बिकॉज 1 ए से बिलोंग करता है बट 1 सी से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स दैट कि हमारा वाला जो है ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर,
अभी हम इंटरवल्स पे आते हैं। इंटरवल्स में हमारे पास चार टाइप के इंटरवल्स होती हैं। एक एक इंटरवल ऐसी होगी जिसे हम ऐसे लिखेंगे ए कोमा बी। इट मीन्स दैट ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है, इन दोनों के बीच के नंबर्स इंक्लूड हैं ओनली। ए कोमा बी इट मीन्स दैट ए तो हमारे पास है बट बी नहीं है और इन दोनों के नंबर्स भी हैं। अभी मैं नंबर लाइन पे शो कर दूंगी आपको, ए कॉमा बी और ये वाला इंटरवल। और एक और हमारे पास आता है ए कॉमा बी, ठीक है। अभी देखिए, पहले वाले के लिए अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो इसमें एक ए पॉइंट क्या है और बी पॉइंट क्या है, तो हमारे पास इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इसके बीच के नंबर ही इंक्लूड होंगे। इस वाले पार्ट में हमारे पास ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है और बीच के नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। इस वाले इंटरवल में हमारे पास ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा और इनके बीच के नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास ए इंक्लूड नहीं होगा और बी इंक्लूड होगा, ठीक है। इस वाले इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल और इस वाले को कहते हैं हम ओपन इंटरवल, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज पावर सेट और यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ लिया, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसेट है या नहीं है ये ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, ठीक है। सो मे बी आप कर लेंगे बट मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाला कर लेते हैं हम। X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ओके, एंड X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये हमारा सबसेट है बिकॉज 11th क्लास का स्टूडेंट जो है तुम्हारे स्कूल का, वो तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट होगा, ओके। अभी हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ओके, यानी ये हमारा ए का सबसेट है या नहीं है। तो थ्री और फोर जो है वो ए का सबसेट नहीं है, वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। देन थ्री एंड फोर बिलोंग्स टू ए, ये हमारा सही होगा, ओके। आगे के आप खुद ट्राई कर लेना, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट है ए, सेकेंड है ए बी, थर्ड है 1, 2, 3 एंड फोर्थ है 5। तो हमें इनके सबसेट्स लिखने हैं। आई होप आप लिख लेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5। अगर ए 5 है तो हमारे पावर सेट ऑफ ए में 1 एलिमेंट होगा, वो होगा 5, ओके। सिक्स में आते हैं। सिक्स में हमें इंटरवल्स लिखनी है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। सिक्स का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। X is such that X belongs to R minus 1, X is greater than minus 4 and smaller than and equals to 6, ठीक है। हमें इसे इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे? इंटरवल में हम लिखेंगे माइनस 4 इंक्लूड नहीं है, देन 6 इंक्लूड है। ये हमारी इंटरवल होगी, यानी माइनस 4 जो है वो इंक्लूड नहीं है, X की वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, और 6 जो है वो X की वैल्यू में इंक्लूड होगा, ओके। अभी सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड स्मॉलर देन 0, ओके। आई होप बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट बताएंगे, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स यानी ऑल ट्राइंगल्स, तो उसमें राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। इन तीनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है, यानी ये एक एमसीक्यू है। देखिए 1,
2, 3, 4, 5, 6 and 8 और 0, तो मतलब जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आएंगे वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो है बट इसमें 8 नहीं है, यानी ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अब हम इस पे आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर भी हम फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले में 0 जो है वो एज अ एलिमेंट नहीं है और सी वाले में 0 भी है, इट मीन्स दैट सी ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आगे हम देखते हैं वेन डायग्राम। ओके, देन वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग सेट्स। वेन डायग्राम जो है वो दो सेट्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया गया है। ओके, ठीक है। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स विद इन द रेक्टेंगल। यानी ये हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर क्लोज्ड फिगर में सेट रिप्रेजेंट करता है, यानी सेट ए को हम सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो यूनियन में यानी सम ऑफ टू सेट्स। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है। ओके, ठीक है, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन होगा, इन दोनों का सम, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो कि इन दोनों में बिलोंग करते हैं। तो हम इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनाएंगे। ओके, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यानी जो दोनों से बिलोंग करे, ए से भी और बी से भी, यानी उनका कॉमन पार्ट जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। ये हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दिस सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ए और बी को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक और बार बना देती हूँ। देखिए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, सो हमें रिप्रेजेंट करना है ए माइनस बी, यानी ए में से बी वाला जो है वो माइनस हो गया, तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। ये हमारा वेन डायग्राम है ए माइनस बी का। ठीक है, फिर हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज दिस सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए एंड बी। ओके, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, ए बी, ठीक है, एंड यूनिवर्सल हमें बनाना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी हमारा ये हो गया, ये वाला पार्ट, और बी माइनस ए हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और इन दोनों का यूनियन हम इस तरह बताएंगे। ओके, ये वाला पार्ट है हमारा ए माइनस बी एंड ये वाला पार्ट है हमारा बी माइनस ए, और ये वेन डायग्राम हो गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का। ठीक है,
नाउ कम ऑन दी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 12 में दिया है लेट ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 6, 8, 10 एंड 12. और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी. यूनियन है यानी हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे. ए यूनियन बी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 होगा. ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 14 में. एग्जांपल नंबर 14 में हमें एक सेट दिया है एक्स. एक्स में हमारे पास है राम, गीता एंड अकबर. ठीक है, ये लोग जो हैं ये सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है, यानी ये क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं. ओके, अब हमारे पास सेट वाई है, वो है गीता, डेविड और अशोक. ठीक है, ये भी कुछ सेट है स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th का ही सेट है. ठीक है, बट वो जो कि फुटबॉल टीम में है, वाई वाले फुटबॉल टीम से बिलोंग करते हैं बट क्लास 11th के ही हैं, और वाई वाले जो हैं वो हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई. तो एक्स यूनियन वाई होगा राम, गीता, अकबर, डेविड, अकबर, डेविड और अशोक. ठीक है, सब लोग आएंगे. इसके बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसके बाद हम कुछ इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं. जैसे इसी का एग्जांपल नंबर 14 से ही लेना है हमें, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है. ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, गीता. तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा होगा गीता. ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे. इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी आपको समझा दिया था. अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. हमें इसमें यूनियन फाइंड करना है. ओके, तो इसमें एक्स यूनियन वाई होगा 1, 2, 3 एंड 5. ओके, आई होप बाकी के आप खुद कर लेंगे. बी पे आते हैं. बी में हमें गिवन है ए इज अ सेट ए कॉमा बी, बी इज अ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है. ए यूनियन बी होगा बी के इक्वल होगा, ए बी एंड सी आएगा. ओके, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी. सो देखिए, अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी. ठीक है, ए सबसेट है बी का और हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है. यूनियन हमारा ये होगा, तो हमारा यूनियन क्या हुआ, ए यूनियन बी जो होगा वो हमारे बी के इक्वल आएगा, बिकॉज ए जो है वो सबसेट है बी का, पूरा ए बी से बिलोंग करता है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में है ए है 1, 2, 3, 4, बी है 3, 4, 5, 6, सी है 5, 6, 7, 8, डी है 7, 8, 9, 10. हमें फाइंड करने हैं. अच्छा, इसके सारे पार्ट्स फाइंड करने हैं. मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी आप कर लेना. ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना. फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इन्हीं सब का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सिक्स वाले में ए हमें दिया है 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया है 7, 9, 11, 13, सी दिया है 11, 13, 15, डी दिया है 15 एंड 17. हमें ये कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ओके, इसमें से कुछ हार्ड वैल्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी आप कर लेना. ठीक है, मैं आपको सिक्स वाले सॉल्व करके बता देती हूँ. सिक्स वाले में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी में ए का इंटरसेक्शन. पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे. बी यूनियन सी हमारा आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15. ओके, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इसका और ए का इंटरसेक्शन. तो इसमें और ए में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 7, 9 एंड 11, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू होगी
सेवन नाइन एंड इलेवन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन पे। सेवन में ए हमें दिया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी में एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, सी में है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, डी में है एक्स इज अ प्राइम नंबर और हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, एट वाले में हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट है, यानी जो आपस में बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं हो रहा है, जिसका इंटरसेक्शन जीरो है, फाई है। ओके, नाइन्थ में हमें ए माइनस बी, बी माइनस सी, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। ए हमें दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, बी दिया है 4, 8, 12, 16, 20, सी दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी दिया है 5, 10, 15 एंड 20। ओके, अब हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, तो मैं आपको एक पार्ट बता देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। ओके, ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट हमारा होगा। ए हमें क्या गिवन है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक है। बी हमें कुछ इस तरह गिवन है, 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो हमें ए माइनस बी जो होगा उसमें से ए में से बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो हमारा आएगा 3, 6, 9, 15, 18 और 20। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स ए बी सी डी है, सेट वाई है एफ बी डी जी, हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई हमारा क्या होगा, इसमें से बी और डी माइनस हो जाएगा, ए सी आएगा एक्स माइनस वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज एक्स माइनस क्यू, यानी आर में से क्यू को माइनस करना है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बचेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 5 एंड 6 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। सो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, बिकॉज इन दोनों का इंटरसेक्शन में 3 जो है वो एक एलिमेंट है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, इसी वजह से ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी सब आप खुद ट्राई करना। इसी के साथ हमारी 1.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।